हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो फ्रेंड? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी न्यू फ्रेंड है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए न्यू अपडेट के लिए। एंड ये वीडियो पूरा देखे, मेरे सभी फ्रेंड को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पूरा वीडियो देखे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, गुलाब जामुन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये देख सकते हो आप, गुलाब जामुन का मिक्स है। अब कोई भी जामुन का मिक्स, मतलब गुलाब जामुन का मिक्स ले सकते हो कोई भी शॉप से। तो मैंने मिक्स ले लिया एक बोल में, और उसके लिए ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट तो नहीं चाहिए। थोड़ा मैंने आटा लिया है, एंड चाशनी के लिए मैंने थोड़ा सा शुगर लिया, एंड छोटी इलायची। तब हम थोड़ा थोड़ा पानी देके उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हम ज्यादा एक साथ पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब उसमें आटा ऐड कर रहे हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो डो को हम ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे, रोटी की तरह डो बनाएंगे, तो पतला नहीं होना चाहिए ज़्यादा। फ्रेंड देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और डो बन के रेडी है। अब उसमें थोड़ा हम घी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैं थोड़ा घी ऐड कर रही हूँ इसमें, और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अच्छी तरह से घी देके मिक्स कर लिया, देखिए। और डो इतना, मतलब मोटा भी नहीं और इतना चिकना भी नहीं है। तो अब उसमें थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे करके हम बॉल्स बनाएंगे। तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं, आप छोटे भी बना सकते हैं, मीडियम साइज के भी बना सकते हैं, या थोड़ा बहुत बिग साइज के बना सकते हैं। फ्रेंड देखिए, मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिया गुलाब जामुन के। अब उसमें अपने हाथों में बॉल्स रेडी करेंगे, और हाथों में मैंने थोड़ा घी लगा दिया, तो उसे अच्छी तरह से बॉल्स रेडी करेंगे। लेकिन एक बात, उसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर क्रैक होगा, तो जब भी हम तेल में डीप फ्राई करेंगे तो टूटने की चांसेस ज़्यादा होती है, और उसके बाद जब भी हम चाशनी में डालेंगे तो तब भी टूटने का चांस ज़्यादा होते हैं। तो हम उसको अच्छी तरह से, जब तक उसका, मतलब अच्छी तरह से शेप ना आ जाए और कुछ क्रैक ना रहे, तब तक हम उसको बॉल्स को ऐसे घुमाते रहेंगे और देखेंगे कि ठीक है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, कोई भी क्रैक नहीं है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने छोटे छोटे टुकड़े को गोल गोल शेप देके मैंने बॉल्स रेडी कर लिया और कढ़ाई में मैंने तेल ऐड कर लिया। तेल भी गर्म हो चुके हैं। अब एक एक करके मैं डीप गोल्डन ब्राउन फ्राई करूंगी। तो देखिए मैंने एक छोड़ दिया। तो देखिए मैंने 5 पीस ऑयल में डाल दिया और उसका गोल्डन ब्राउन तक मैं फ्राई करूंगी। और साथ में फ्रेंड मैंने देखिए आप चाशनी के लिए पानी को भी गर्म कर चुकी हूँ और उसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। तो जब तक चाशनी भी होते रहेंगे और साथ में मेरा जामुन भी साइड में चलते रहेंगे। तो दोस्त आप सब देख सकते हो जामुन कितने सुंदर कलर आए हैं। और जितना हो सके लो मीडियम में हम फ्राई करेंगे, तब क्या होगा अंदर भी अच्छी तरह से फ्राई होंगे। तो अब उसको उठा लेते हैं। देखिए तो आप देख सकते हो शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं पानी के साथ। और लास्ट में इलायची मैंने थोड़ा बहुत क्रश कर लिया है, अब उसमें ऐड कर रही हूँ। और आप चाहे तो उसमें थोड़ा बहुत केसर भी डाल सकते हैं। तो चाशनी ऑलमोस्ट बनके रेडी है। तो चाशनी बनके रेडी है, आप देख सकते हो दोस्तों। और गैस को मैं ऑफ कर लेती हूँ अब। और 2 मिनट तक ऐसे रखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके गुलाब जामुन को ऐड करेंगे चाशनी में। तो फ्रेंड अब एक एक करके चाशनी में गुलाब जामुन ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद 10 मिनट ढक के रख दूंगी। और 10 मिनट बाद थोड़ा बहुत एक एक करके एक स्पून से थोड़ा अदल बदल करके दूंगी, क्योंकि अंदर चाशनी तुरंत अंदर चाशनी अच्छी तरह से पहुंच जाए उसके लिए अदल बदल करके दे दूंगी। फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने थोड़ा डीप फ्राई भी किया एंड थोड़ा मीडियम फ्राई भी किया। और अब उसे 10 मिनट तक ढक के रख दूंगी। तो फ्रेंड हमने 10 मिनट के लिए गुलाब जामुन को ढक के रख दिया। उसके बाद फिर से 10 मिनट बाद अदल बदल के थोड़ा दिया। उसके बाद फिर से ठंडा होने के लिए रख दिया जामुन को। तो फ्रेंड अब एकदम गुलाब जामुन बनके तैयार है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड एंड तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।